ये जो पर्याय हैं, जो केवल ज्ञान को अपना नंगा चित्र पूरी सब पे बिल्कुल खुला हुआ, वो भी समर्पित करने के लिए स्वभाव वाली हैं, वो बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं कि वे छिपत फिर रही हो और इनने जबरदस्ती बरात लगा ना, बरात जान दिया हो उन्हें। क्या राजा जी, मैं जो कहना चाहता हूँ ख्याल में आ रहा है? मैंने वो गे भी अपना स्वभाव समर्पित कर रहे हैं ज्ञान को, और ज्ञान की पर्याय भी जान रहे हैं, वो बहुत उनमें वो है, उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई खोटा काम हो। देखो पढ़ो, बलात् प्राप्त करे और बेपर्याय स्वरूप सर्वस्व को अक्रम से अर्पित करें। अक्रम से अर्पित करें, ये क्या चक्कर है? छह हजार रानियां थी चक्रवर्ती की, अब एक समय में तो एक ही मिल सकती है ना, क्यों? वो 96,000 एक साथ में तो ऐसी सभा लगानी पड़ेगी, वो भी पंडित बन के प्रवचन करना पड़ेगा चक्रवर्ती को। यदि वो 96,000 एक साथ मिले तो कैसी होगी, क्या पोजीशन होगी, समझो? वो एक एक ही मिले तो फिर कितना हिस्सा मिलना होगा, क्या होगा? मायामयी रूप बना करके सबसे ही मिल लेता है, एक मिलते तो अकेले अकेले में है ना। वो कहते हैं कि वे जो अनंतानंत पर्याय हैं भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक की, वे अनंतानंत पर्याय हैं अपने स्वरूप को केवल ज्ञान में एक साथ अर्पित कर देती है, केवल ज्ञान को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो एक साथ बिल्कुल मिक्सचर में अर्पित करती हैं और उसे बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है। ये स्वरूप बता रहे केवल ज्ञान, समझ रहे ना, अलग अलग दिखाई देती है। ऐसा है केवल ज्ञान का स्वरूप, फिर जो ज्ञान तेरे पास अभी है ना, इसकी जो केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होगी, जब ऐसी प्रकट होगी, इसका मतलब तेरा स्वभाव तो ऐसा जानने का है, सर्वज्ञ स्वभाव ही है ना, एक साथ अर्पित कर वो एक साथ जान, एक भी पर्याय नहीं है कि जो अर्पित नहीं किया। देखो क्या कहा था, बलात्कार अर्पित करे, इस प्रकार उन्हें अपने प्रति नियत ना करे। अब वो ऊपर कहा था नियत है, लिखा था पहली पंक्ति में, ढूंढ लेना वहां। अब कहते हैं वो ऐसा नियत ना हो तो क्या हो, तो उन्हें प्रत्यक्ष नियत ना करे माने उन्हें प्रत्यक्ष ना जाने, जो नियत ना करे का ही अर्थ है जी, ये कोमा लगा के जो ऐसा लिखा जाता है ना वाक्य, उसका अर्थ है कि हम वही बात दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। प्रत्यक्ष ना जाने तो उस ज्ञान को दिव्यता क्या है, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा कि ये ज्ञान दिव्य है, इसे तो सभी जानते हैं। वो दिव्य ज्ञान है, उसका जो नाम दिव्य ज्ञान पड़ा वो इसके कारण पड़ा है। जो छंद है ना वो अपन कहाँ है, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं हो, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहे, दिव्य ज्ञान है उन्हें, दिव्य ज्ञान है, इसका नाम दिव्य ज्ञान है। इस कारण यह कहा गया है कि पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान के लिए यह सब योग्य है, माने जो पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान माने केवल ज्ञान, उसमें सारा लोकालोक झलके, कोई कहीं कोई अड़चन नहीं हो, ना झलकने वालों को ना जिसमें झलका है उन्हें, वो अनंत सुखी है और उसके अनंत सुख में रंच मात्र भी विघ्न नहीं है। जो इतनी महत्वपूर्ण गाथा का भाव ये 39वीं गाथा है, क्या है 39वीं, तो ये भाव दौलत राम जी ने कितनी सरलता से एक पंक्ति में कह दिया कि सकल गे गायक तदपि निजानंद रस ली, उनके आनंद में कोई भंग नहीं, इतनी दुनिया जानी, हमारा तो हराम हो गया जीना,
अब आता है, आता है, फिर इसका फोन आ गया, उसका फोन आ गया, फिर वो मिलने आ गया, एक गया तो दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। हम कहते हम तो बहुत परेशान हो गए। क्यों? भगवान तो कितने परेशान हो जाते होंगे। तो कहते हैं कि उनकी जो अनंत आनंद है उसमें रंच मात्र भी विघ्न नहीं है, वे अनंत सुखी है और विज्ञान में सब धड़कता रहता है और वो आता रहता है, जानते रहते हैं। देखो इन गाथाओं में न केवल ज्ञान की महिमा बताई गई है अपितु केवल ज्ञान के स्वरूप भी स्पष्ट किया गया है। यद्यपि इन गाथाओं में बताई गई बात हाथ पर रखे गए आंवले के समान स्पष्ट है। ये हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट, ये हाथ पर रखे हुए आंवले की बात क्यों करते? आंवला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कद्दू जैसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता है, छोटा होता है तो हमको ऐसे आंखें गड़ा गड़ा के देखना पड़ता है। क्यों? बहुत बड़ा हो तो इधर वाला हिस्सा देखे तो इधर वाला नहीं दिखे, इधर वाला दिखे तो इधर वाला नहीं दिखे, समझे ना। और फिर हाथ पे रखा हुआ क्यों? दूर हो तो क्लियर नहीं दिखे, एकदम पास हो तो भी क्लियर नहीं दिखे। तो हाथ जितना दूर है ना, इतना दूर, और ऐसा आंवला एकदम साफ दिखता है, माने प्रत्यक्ष जो प्रमाण है लोक में उसके लिए हाथ पे रखा हुआ आंवला एक फ्रेज है, वो अत्यंत स्पष्ट है। तो हाथ पे रखे हुए आंवले, अरे हाथ पे रखा हुआ आंवला तो परोक्ष से ही जाना जाएगा ना, और ये तो ज्ञान प्रति। अब हम बताएं क्या उदाहरण, तुम्हें परोक्ष का ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम परोक्ष के अलावा प्रत्यक्ष का जानते ही नहीं हो, प्रत्यक्ष का स्वरूप ही ख्याल में तुम्हारे नहीं है। अब वो तो हम समझा रहे, क्यों उसका तो उदाहरण देंगे कैसे? तो अधिक अधिक से अधिक वो आंवला को स्पष्ट माना जाता है ना। यद्यपि इन गाथाओं में बताई गई बात हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट है, तथापि कुछ लोग शंकाएं आशंकाएं व्यक्त करते हैं। उन्हें लगता है कि इसे मान लेने पर तो सब कुछ निश्चित है, यह सिद्ध हो जाएगा, और ये उन्हें इष्ट नहीं है। उनको सर्वज्ञता में उतना ऐतराज नहीं है, भगवान महावीर सर्वज्ञ हों इसकी उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें तकलीफ ये है कि हम प्रभावित हो रहे। क्या प्रभावित हो रहे? कि ऐसी स्थिति में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे चित्त को भी, ये दूसरों की बात मत समझना, दूसरे तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, लेकिन हमारे चित्त में भी कहीं ना कहीं यही चोर बैठा है। ख्याल में आई ना, कि जिसकी वजह से हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, है ना। उक्त संदर्भ में मैंने किंमद पर्याय नामक कृति में विस्तार से चर्चा की है। अब आप बाकी और इससे ज्यादा जानना हो तो किंमद पर्याय की किताब पढ़ना। अभी अपन को दो गाथाएं हैं और उनकी बात करनी है। दो तो ये निकल गई, टीका सहित मैंने आपको पढ़ा दिया, जो भी मैंने इसमें लिखा है वो सब बता दिया। क्या है? जो इंद्री गोचर अर्थ को इहादि पूर्वक जानते, वे परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिन वर कहें, सब प्रदेशी अप्रदेशी मूर्त और अमूर्त को अनुत्पन्न विनष्ट को जाने अतीन्द्रिय ज्ञान ही। कल कहा था ना इसमें, जब कहा था कि इंद्री गोचर पदार्थ को इहादि पूर्वक जानते हैं, माने जैसे हम लोग जानते हैं, सारे छूक्ष्म ज्ञान वाले के जानने की ये विधि है। तो वे जीव परोक्ष पदार्थों के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते, नहीं जान सकते माने उन्हें उन पे भी कोई ज्यादा बहस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आगम में लिखी है वो ही माननी पड़ेगी। उनकी युक्तियां युक्ति लगा सकते शांति जी के? नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वो युक्ति भी आगमाश्रित होगी। आप जानते हैं आगमाश्रित युक्ति, हम प्रमाण देंगे फिर कहेंगे यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा लगा, ये लिखा ना शास्त्र में, वो शास्त्र आए बिना नहीं रहेगा बीच में, वो सारा अनुमान लगाए हम कितने
स्मृति लगाएं कितनी, तो वो परोक्ष ही जान सकोगे, वो प्रत्यक्ष नहीं जान सकोगे। लेकिन वो सप्रदेशी को तो जानेगा हमारा ज्ञान, अप्रदेशी को नहीं जानेगा। सप्रदेशी माने बहुप्रदेशी, अप्रदेशी माने एक प्रदेशी। खुदगल परमाणु एक प्रदेशी, काल द्रव्य एक प्रदेशी, वो हमारे ज्ञान में सीधा नहीं आएगा, है ना। और कहते हैं अप्रदेशी, और वो मूर्त को भी, मैं मूर्त को जानेगा, अमूर्त को नहीं, आकाश को नहीं देख सकता, धर्म द्रव्य को नहीं देख सकता, आत्मा को भी नहीं, वो अमूर्त है, तो आत्मा को भी सीधे डायरेक्ट नहीं देख सकता। ख्याल में आई ना, खुदगल अब अकेले मूर्त को जानेगा, अमूर्त पर ही है, खुदगल तो पर है ना उसके लिए। और अमूर्त को, अनुत्पन्न विनष्ट को, जो अनुत्पन्न है और जो नष्ट हो गया है, उनको सिर्फ, जो दोनों को, कौन को, सप्रदेशी को अप्रदेशी को, मूर्त को अमूर्त को, अनुत्पन्न और विनष्ट को, एकमात्र अतींद्रिय ज्ञान ही जानता है। अतींद्रिय ज्ञान माने केवल ज्ञान। ये बात कहते हैं कि ये बात जो आप इनके बारे में बताते, अभी आपका प्रवचन सुन लेना, अपना अपना प्रवचन जो कैसे सुनना सब, फिर ये देखना कि आपने जो जो बातें बताई हैं उनमें से कितनी बातें तो आपने आगम में पढ़ी हैं, पंडित के मुख से सुनी हैं, गुरुदेव के मुख से सुनी हैं, वे कही हैं, और कितनी आपने अपने अंदर से निकाल के कही, निकालना। सेंट परसेंट आपको वो ही मिलेगी जो आपने आगम से जानी है या गुरुमुख से सुनी है। तो गुरुमुख माने वो गुरु ने आगम पढ़ के बताई, इनडायरेक्ट में तो आगम से ही हो गए ना, सर्वज्ञ की भगवान की वाणी से आई हुई बात जानी है। नहीं, नहीं, आप तो बहुत बहुत नई नई बातें निकालते हैं। अरे इसमें कुछ दम नहीं है, हम भी वो जो बातें निकालते हैं वो इस आगम में से ही निकालते हैं। क्या कि हम ये कह रहे हैं कि आहार ऐसा नहीं छोड़ा जाता है क्या? जब वो आहार अपन को नहीं पचे तब छोड़ो, जब शरीर को मारने नष्ट करने के लिए नहीं छोड़ा जाता है, जब उस आहार करने से शरीर नष्ट होने लग जाए क्या तब? तो ये हमने कहना है बाप का है माल, वो हमने शास्त्र में से निकाल के बताई, हमारे दिमाग में पहले भी आई तो कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, और शास्त्र में एक लाइन मिल गई तो शेर जैसे दहार कर बोलने लग गए। आप समझो हम स्वयं कितने शास्त्राधीन हैं और कितने उसके गौरव से गौरवान्वित हैं। क्यों बोलो, सच्ची बात है, ये निकाल दो, हम अपने अनुभव से बताई हैं। ये जितने ये ऐसी बात कहते हैं ना, वे अपनी गप्पे उन्हें स्वीकृत कराना है और शास्त्र से मिलान करने की तुम मांग नहीं करो, क्योंकि वो तो उनके पास है। मुक्तागिरी में थे हम ऐसी, तो सब ऐसी कई बातें हैं। तुम तो थे ना अशोक, तो एक पंडित जी थे, नाम जानता भी नहीं हूँ, वैसे जानता होता तो बताता भी नहीं। फिर हम तो साहब ये नहीं जानते, हमने तो एक करुणा योग नहीं पढ़ा, हमने तो, मैंने कहा आप नहीं जानते हैं तो ये सौभाग्य की बात नहीं है। फिर आप तो ऐसे गौरव से कह रहे हो कि आप नहीं जानते हैं तो बहुत महान है, और हम जानते हैं तो हमने बहुत पाप किए हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, कहा था मैंने हरी सभा में, गोमर साहब आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। गुरुदेव के नाम पर ही करते, गुरुदेव ने गोमर साहब नहीं पढ़ा था, गुरुदेव ने तो आज तक नहीं कहा कि हमने नहीं पढ़ा है, उन्होंने धवल तक बांचा था सभा में, उन्हें तो सभा में सब उनकी ये लिस्ट पढ़ लो एक तरह। श्रीमद बालों से मैं कहता हूँ जतीश भाई कि अश्विनी मध्य ने कौन कौन से शास्त्र पढ़े थे और किन शास्त्रों को पढ़ने की सिफारिश की है, वो लिस्ट एक दफे पढ़ लो। गुरुदेव के भक्तों से कहता हूँ कि जिन जिन गुरुदेव ने शास्त्रों का स्वाध्याय किया था और जिन में सभा में प्रवचन किए थे, कम से कम भले आदमी एक दफे उनकी लिस्ट तो पढ़ लो। अभी हमने बेबी पूरे स्वाध्याय नहीं कर पाए, जिस गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। दीपचंद जी का चिद पिलास,
परमात्मा पुराण और ऐसे कई कई शास्त्र उनने पढ़े थे, हमने उनको कहा इतनी गहराई से पढ़ा है। समझे ना, ये सब जो मिला निकला है आगम में से निकलेगा और आगम से ही निकले, क्रमबद्ध पर्याय भी आगम से ही आई है। और समाज मानेगा तो आगम से मानेगा, और मानना चाहिए तो आगम से मानना चाहिए। देखो अभी अपन पढ़ते हैं विषय, और देख थोड़ी बहुत कठिन भाषा है, उससे आप घबराना नहीं। मैंने इसको बहुत गहराई से पढ़ लिया है और उसको बहुत सरल भाषा में आपको उसका अर्थ बताऊंगा, है ना, एक दफे। लेकिन पढ़ तो लो क्या है। विषय और विषयी के सन्निपात लक्षण वाले। अब आपको तो सन्निपात नाम की एक बीमारी का परिचय है कि सन्निपात हो जाता है। क्या कैसे हो जाता है कि जब बात पित्त और कफ तीनों का प्रकोप हो जाता है तो सन्निपात हो जाता है। सन्निपात में सब एक साथ आ पड़े, बात का प्रकोप भी सबका प्रकोप भी, इसमें सन्निपात। अब यहां सन्निपात माने मिलाप, बस ये दोनों का मिल गए। देखो विषय और विषयी के सन्निपात माने मिल गए, जिसने जाना उसके ज्ञान का गेय वो बना, और जो पदार्थ ज्ञान का गेय बना वो, अब वो माने एक तरह से मिल गए, माने हमने जाना और बेजानने में आ गए, इसको मिलाप कह रहे हैं। बस इतना, इससे ज्यादा कोई ज्यादा नहीं है। क्या कह रहे हैं, सन्निपात लक्षण वाले इंद्रिय और पदार्थों के सन्निकर्ष को प्राप्त करके जो अनुक्रम से उत्पन्न इहादिक के क्रम से जानते हैं। अब जानते हैं सन्निकर्ष ही प्रमाण है, एक ऐसा मत भी जैन दर्शन में है, जो प्रणवे कमल मार्तंड में उसकी चर्चा की गई है। प्रणवे कमल मार्तंड में उस जगह इंद्रिय प्रमाण, सन्निकर्ष प्रमाण बहुत इनकी चर्चा है, शब्द प्रमाण बहुत शास्त्र में प्रकरण है और उनका खंडन किया है सबका। अब ये कह रहे कि जो ज्ञान गे मिलते हैं ना, तो इंद्रियों का चक्षु को छोड़ करके बाकी का सन्निपात होता है। चक्षु को अप्राप्तकारी कहा है। अप्राप्तकारी माने समझते हैं कि जो पदार्थ को प्राप्त नहीं करे, ना उसके पास जाए और ना पदार्थ उसके पास आना चाहिए, और उसे ऐसे छूने की भी जरूरत नहीं है। माने वो सन्निपात माने वो छूना, क्यों, अभी वो आंख का ऐसा स्वभाव है कि बिना छुए जान सकते हैं। बबलू है आधा जानी है, वो तो हाथ उठाना नहीं। अभी जो आंख में पट्टी बांधता है ना, और फिर वो पड़ता है तो वो उसे ऐसे छूता है, तो वो सन्निपात करता है। सन्निपात करता है माने इस पर चक्षु इंद्री का तो सन्निपात स्वभाव नहीं है, वो इस पर सन्निंद्री से कर रहा तो चक्षु से थोड़ी जान रहा है, उसमें चक्षु निमित्त नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूं, देखो विषय विषयी के सन्निपात लक्षण वाले इंद्रियों और पदार्थों के सन्निकर्ष माने मिलने से प्राप्त करके अनुक्रम से वो एक साथ नहीं जानता, केवल ज्ञान एक साथ जानता है, और ये परोक्ष ज्ञान नंबर बाई नंबर क्रम से, भाई शांत रहो जैसे डॉक्टर लगा था, एक बोलो बस, एक बोलो, एक के बाद दूसरा बोलो, एक के बाद ऐसा, केवल ज्ञानी को ऐसा नहीं करना पड़ता है। अनुक्रम से आदि क्रम से जानते हैं, वे उन्हें नहीं जान सकते किने, वे जो परोक्ष पदार्थ उनका नाम परोक्ष किया, जिन्हें केवल ज्ञान जानता है वे पदार्थ परोक्ष, क्योंकि वो प्रत्यक्ष, वो ऐसा नहीं केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है ना, और मत्स्य ज्ञान परोक्ष है, ऐसा लिखा ना शास्त्र में, तो केवल ज्ञान अकेला प्रत्यक्ष पदार्थों को जानता हो और परोक्ष को नहीं जानता हो, ऐसा है, समझ में आई, वो प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों को जानता है। जिनका स्व अस्तित्व काल बीत गया है, देखो वो भी पर्याय है ना द्वित काल की, उनका जो स्व अस्तित्व था वो वर्तमान वो बीत गया है, और जिनका अस्तित्व काल उपस्थित नहीं हुआ है, क्योंकि अतीत अनागत पदार्थों और इंद्रियों के ग्राही ग्राहक संबंध असंभव है, क्योंकि वो इंद्रियों से जानेंगे, अब वो जो बीत गया और जो बाद वो सन्निकर्ष हो नहीं सकता, तो कैसे जानेगा, है ना, तो केवल ज्ञान है, सन्निकर्ष जानने की जरूरत नहीं है, वो जान सकता है।
तो अपन कहेंगे भाई चक्षु इंद्री भी सन्निकर्ष वाली नहीं है, तो सन्निकर्ष से चक्षु से जान लेना चाहिए। अरे भाई चक्षु केवल ज्ञान जैसी प्रत्यक्ष थोड़ी है, कोई परोक्ष ही है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा अप्राप्तकारी सिद्ध करके, ज्ञान को अप्राप्तकारी सिद्ध किया है। है किसी वो जो न्याय शास्त्र में है चक्षु अप्राप्तकारी, उसे क्या सिद्ध किया है बता सकते हो? ज्ञान का स्वभाव, तो वो ज्ञान का स्वभाव तुम्हें समझाने के लिए चक्षु को अप्राप्तकारी कहा। इंद्रियां तो सन्निकर्ष से ही जानती हैं, ये है उसका अर्थ। क्योंकि आप जो हमें दिख रहे हो वो हमारी आंख में आ गए, आप देखो आपका फोटो है, सन्निकर्ष हुआ ना। पर दुनिया में ऐसा छूते है ना जैसा स्पष्ट, वो जो स्पर्शन आदि इंद्री का सन्निकर्ष होता है, बस वैसा सन्निकर्ष नहीं होता। तो इतना सा सन्निकर्ष नहीं है। इसके उदाहरण से केवल ज्ञान को समझाया कि वो बिना छुए जानता है, तो बिना छुए उसे छूने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बहुत दूर की बात आलोक आकाश को जान सकता है ना, तो जो क्षेत्र से दूर की बात को जान सकता है वो काल से दूर की बात को क्यों नहीं जान सकता? समझ जाए क्या तर्क है? और काल से दूर कौन है? जो पर्याय विनष्ट हो गई है और जो पर्याय अभी अनुत्पन्न है, है समझ गए? उपदेश, अंतःकरण और इंद्रियां। अंतःकरण माने मन, इंद्रियां आदि बहिरंग विरूप कारणता, इन कारणों को विरूप कहते हैं। और क्षयोपशम रूप, उपलब्धि, संस्कार आदि अंतरंग स्वरूप कारणता, इन परोक्ष ज्ञान में दो तरीके कारणता है। एक तो हमारे ज्ञान का क्षयोपशम है और एक उपदेश इंद्रियां। उपदेश से जानते हैं ना, इंद्रियां छू के जानती, माने क्या कह रहे हैं, भाव इंद्रियो द्रव इंद्रिय, एक भाव इंद्रिय द्रव इंद्रिय, माने हमारे ज्ञान का क्षयोपशम भी चाहिए और आंख भी चाहिए। आंख बाह्य कारण और क्षयोपशम अंतरंग कारण, समझ में आया? और उपदेश भी चाहिए, गुरु समझाने वाला भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए। तो उन्होंने दो का तरफ बांट दिया, एक जो आत्मा में होती है उपादान का योग्यता और एक निमित्त है ना। आदि अंतरंग से ग्रहण करके प्रवृत्त होता हुआ इंद्रिय ज्ञान, ये इंद्रिय ज्ञान कैसे प्रवृत्त होता है ये बताया है, समझ गए ना? आप तो इतने ही जान लो तो काम चलेगा कि इंद्रिय ज्ञान सप्रदेश को ही जानता है, अप्रदेश को नहीं जानता। अब कैसा इंद्रिय ज्ञान, वो उनने दो लेन में बताया है, समझ गए ना? और क्योंकि वह स्थूल को जानने वाला है सूक्ष्म को नहीं, और जो अप्रदेश है वो सूक्ष्म है। वह मूर्त को ही जानता है अमूर्त को नहीं, क्योंकि उसका संबंध मूर्ति के साथ होता है अमूर्ति के साथ नहीं। वह वर्तमान को ही जानता है भूत भविष्य को नहीं, क्योंकि उसका वर्तमान के साथ ही विषय विषयी सन्निपात होता है भूत भविष्य के साथ नहीं। अब केवल ज्ञान को तो सन्निपात की जरूरत नहीं है, समझिए ना। परंतु अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान वह सप्रदेश और अप्रदेश को, मूर्त को अमूर्त को, अनुत्पन्न और व्यतीत को, सभी को जानता है, क्योंकि वे सभी पदार्थ गेय हैं, माने उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। बस इसको इतना ही जरूरी है कि उसको प्रमेयत्व गुण होना चाहिए तो ये जानेगा, और प्रमेयत्व गुण नहीं होगा तो नहीं जानेगा। तो सारे पदार्थ ऐसे एक भी नहीं है जिसमें प्रमेयत्व गुण नहीं होगा, तो ये नहीं जानने का सवाल ही नहीं, सारे पदार्थों को जानेंगे। अब बसंत भाई तो कितनी गहराई से सबको जानेंगे ये सिद्ध किया। अब सारी जिंदगी हमने ये पढ़ा, पढ़ते रहे, हमारे गुरुओं ने पढ़ाया, परीक्षा दी, डिग्री ली, अब हमारे गले तुम ये उतारना चाहो, सबको नहीं जानता है आसन। हाँ बस जिनने स्वीकार कर लिया ना, या तो उनने वो पढ़ा नहीं है और या फिर प्रेशर में आ, या हम पंडितों का प्रेशर में आना आत्मा के कल्याण के लिए और आगम की रक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। ये मक्खन लगाने वाले पंडितों से धर्म की रक्षा नहीं होगी, बहुत कठोर बात है।
लेकिन परम सत्य है, कितनी भी जोखिम हमें लेनी पड़े तो भी हम लेंगे, क्या हमें और जोखिम तो क्या हो सकती, अब हमें जान से तो मार नहीं सकते, बस हमारी बात सुनोगे नहीं, क्या कर सकते हैं? हमें भी तुम्हारी जैसी दुकान खोल के बैठना पड़ेगा दो रोटियों के लिए, बस और क्या कर सकते हो तुम? लेकिन हम सब्जी बेच के खाएंगे, लेकिन हम ये आजादी नहीं खोएंगे, ये कोई अपेक्षा हमसे नहीं रखे, सबसे बड़े बड़े आपके सबसे हमको सब जानते हैं हमारे स्वभाव को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि इनसे जबरदस्ती कुछ स्वीकार नहीं किया जा सकता, आगम करो आश्रम निकालो तो स्वीकार किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। हमारे पिताजी से लेकर बहुत विद्वानों ने हमको ये बात हम पर प्रेशर डाला है, मेरे पिताजी सबसे पहले रोजाना हम प्रवचन करके आते थे अशोकनगर में, और रोजीना कहते भैया ऐसी लड़ाई लड़ोगे रोजीना फिर यहाँ से भी छोड़ जाओगे, अपना गांव छोड़ के तो अपने यहाँ आए, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, कैसे भाई ठीक है पिताजी, मैं उनसे कहता था तुम बताओ कि ये जो बात एकदम साफ है और एक सही है, तुम्हें गलत बात स्वीकार कर लूं मान लूं? फिर दूसरा तर्क देते कि वो तुमसे बड़े विद्वान हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनसे पढ़े हो, दे नहीं समझते कुछ, फिर आप ही समझते हो। हमने कहा इसका जवाब तुम्हें क्या दे सकता हूँ, कि दे नहीं समझ सकते, आप तो देख रहे हो बात को, मैं आपको शास्त्र में दिखा रहा हूँ, उनको दिखा रहा हूँ, आप निर्णय करो मैं क्या करूँ। अरे मान लो ये मेरे से नहीं, ना मैंने सगे बाप की नहीं मानी और किसी की नहीं मानी आज तक, जो शास्त्र में था वो भी पूरी ईमानदारी के साथ मैंने खुद स्वीकार किया और जगत के सामने रखा। चलो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, हो गया ना पूरा, मुझे पूरा करना है चाहे समय हो जाए चाहे कुछ भी हो। ईंधन दाह्य होने से जिस प्रकार अनेक प्रकार का ईंधन दाह्य होने से दाह्यता का उल्लंघन नहीं करने से प्रज्वलित अग्नि के लिए दाह्य ही है, क्या कह रहे ईंधन है जे, ईंधन किसे कहते हैं मालूम आपको, जो अग्नि से जल जाए वो ईंधन है, जैसे अभ्रक, अभ्रक नहीं जलता है तो ईंधन नहीं है। अब कंडा, कंडा ईंधन है क्या नहीं है, सब कहते कंडा तो समझ गया क्या होता है, लकड़ी ईंधन है क्या नहीं, कोयला ईंधन है क्या नहीं है, तो कहते हैं भैया इसमें जब हम अग्नि जलाते हैं, जलाने के बाद जो राख बची रहती है वो ईंधन नहीं है, और जो जल जाता है वो ईंधन है, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि नई जलने वाली चीज भी इसके अंदर मिक्सचर है, अजीब ये पड़ी रह जाती, अब उसमें कितनी आग लगाओ नहीं लगती, तो राख में कहाँ आग लगाओ, ये राख का क्यों उपयोग करते हैं, ये साधु लोग अपने शरीर पे राख लपेट लेते हैं और इस आग को शुद्ध मान लिया, क्योंकि जल करके आग जो जो ईंधन है वो सबको जला देगी, जिसको नहीं जलाई तो वो ईंधन नहीं था, हम क्या करें, तो ज्ञान जो जो गे है उसे जान लेगा, जो गे नहीं होगा उसे नहीं जानेगा, और गे नहीं है ऐसा कोई पदार्थ है नहीं, आप समझ गए ना, इसलिए वो सबको जान, उसी प्रकार सभी गे हैं, गेता का उल्लंघन नहीं करते, इस कारण अतींद्रिय ज्ञान उन सबको जान लेता है। देखो बस तीन चार लेने हो रहे अपन पढ़ लेते हैं, उक्त कथन का तात्पर्य यही है कि परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों का पदार्थों के साथ जब तक संबंध ना हो तब तक जानना नहीं होता, वो चक्षु भी आ गई ना, अकेली चक्षु ही अप्राप्तकारी है कि कोई और भी है, कौन है बोलो, हाथ उठाओ जरा फटाफट विद्यार्थियों में से, अरे चक्षु के साथ मन नहीं है, चक्षु और मन इन दोनों को अप्राप्तकारी माना है, तुम अगले चक्षु पे अटके रह गए। सुनो, भूत भावी पर्यायों को नहीं जान सकता, दूरवर्ती वर्तमान पर्यायों को भी नहीं जान सकता, अतः इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, हीन है और हे। अतींद्रिय ज्ञान किसी भी पर की सहायता में से प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए वह सभी गेय पदार्थों को उनकी वर्तमान भूत और भावी पर्यायों के साथ अत्यंत स्पष्ट रूप से एक समय में एक साथ जान लेता है, एक अतींद्रिय ज्ञान का स्वरूप है, सभी को जानने में
उसे कोई शर्म नहीं होता, क्योंकि सबको जानना उसका सहज स्वभाव है। जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसे अतीन्द्रिय सुख नियम से प्रकट हो जाता है होता है। इस कारण अतीन्द्रिय ज्ञान भी परम उपाधि है।